बिजली विभाग के कर्मचारियों ने की हड़ताल, डीएम ने किया ऐसा काम कि दंग रह गए लोग। उत्तर प्रदेश के महोबा में बिजली कर्मियों की हड़ताल से निपटने के लिए डीएम ने अनोखी पहल की है। एक तरफ बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे नारेबाजी करते रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विद्युत व्यवस्था को सही रखने के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों को बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार से प्रदेश में बिजली कर्मी अपनी मांगों को लेकर काम का बहिष्कार करने वाले हैं। इससे बिजली व्यवस्था बाधित होने की पूरी आशंका है। उधर महोबा में तो सभी विद्युत कर्मी 14 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से धरने पर बैठ गए हैं, साथ ही मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए डीएम मनोज कुमार ने तैयारी की है। उन्होंने बिजली सप्लाई में कोई परेशानी ना हो इसके लिए एक फैसला लिया है। इसके तहत पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट और रिटायर्ड कर्मियों के साथ जिले में तैनात टेक्निकल कर्मियों की ड्यूटी बिजली विभाग में लगा दी है। जिले के 13 बिजली उपकेंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ अन्य विभागों के टेक्निकल अधिकारी, रिटायर्ड कर्मियों और पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। इसके लिए इन सभी को विद्युत उपकेंद्र में प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें पावर हाउस में बने कंट्रोल रूम में काम करने की जानकारी, विद्युत फॉल्ट शट डाउन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य बारीकी परीक्षण दिए गए हैं। बिजली विभाग के कर्मी 14 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। दरअसल बिजली विभाग के कर्मी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर दिसंबर में सभी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया था। कर्मचारियों की कई मांगों के अलावा संविदा कर्मियों के वेतन और विभाग में हो रही कई अनियमितताओं को दूर करने की मांग शामिल है, मगर इन मांगों पर वादे के बाद भी आलम न होने पर मगर इन मांगों पर वादे के बाद भी आलम न होने पर मंगलवार को सभी उपकेंद्र पर मशाल जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बिजली विभाग के कर्मियों ने बताया कि बुधवार से 16 मार्च तक वे लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। इस दौरान कोई सहमति बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बिजली विभाग के कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ाएगा। शासन के निर्देश पर की गई व्यवस्था, डीएम मामले में डीएम मनोज कुमार ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों का हड़ताल की जानकारी मिली थी। शासन के निर्देश पर व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए पहले से इंतजाम किए गए हैं। लोगों को बिजली की समस्या ना हो इसके लिए हर बिजली केंद्र पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों, पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारियों और टेक्निकल कर्मी बिजली व्यवस्था को बहाल करेंगे।